हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के बारे में, जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के बारे में। ओके, तो पहले हम कंप्लीट करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को और उसके बाद कंप्लीट करेंगे लीडरशिप को। तो लेसन नंबर 2 है स्किल्स। तो देखते हैं, अभी दो वर्ड मेन मेन सीधे दिमाग में आते हैं जब भी हम स्किल या ऐसा कुछ वर्ड सुनते हैं, दैट इज़ टैलेंट एंड स्किल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल। स्किल को हिंदी में कहते हैं कौशल और टैलेंट को कहते हैं प्रतिभा। टैलेंट इज समथिंग विच यू आर हैविंग बाय बर्थ। ठीक है, टैलेंट कुछ है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास पहले से होता है, आपको विरासत में मिली हुई चीज़ है। विरासत में यानी आपको जीन्स में मिली है अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। ओके, बट स्किल इज समथिंग विच वी लर्न ओवर द टाइम। स्किल एक ऐसी चीज़ है, कौशल एक ऐसी चीज़ है जो हम मेहनत से सीखते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि टैलेंट में और स्किल में क्या डिफरेंस है। टैलेंट है वो बाय बर्थ होता है, लेकिन स्किल हमें सीखनी पड़ती है, वी नीड टू लर्न। ओके, जैसे सिंगिंग है, हर एक बंदा चाह के भी सिंगिंग नहीं सीख सकता, सम हाउ ही हैज़ टू बी टैलेंटेड। उसको कहीं ना कहीं पे उसकी आवाज़ में वो बात होनी चाहिए कि जिसके ऊपर वो काम करके उसको अपनी स्किल और टैलेंट दोनों मिला सके, अच्छा सिंगर बन सके। ओके, लेकिन देर इज़ समवेयर जहाँ पे वो टैलेंट होता है, वो बाय बर्थ होता है, उनका वॉइस बाय बर्थ अच्छा होता है। ओके, लेकिन स्किल इज समथिंग जो हमें खुद ही सीखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कारपेंटर, प्लम्बर, आप रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, कैलीग्राफी, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप खुद सीख सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, स्किल होती है। ओके, डिफरेंस इज जस्ट ऑफ हार्ड वर्क। ओके, ऐसा नहीं कि इसमें टैलेंट में हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, पर वेरी लेस एज कंपेयर टू स्किल। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्किल्स के बारे में। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि किन्हीं 5 तरीके की कौशल के बारे में लिखिए। ओके, तो देखते हैं एक एक करके। लिटरेरी स्किल, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, यानी साक्षरता की स्किल्स क्या क्या हैं, साक्षरता का कौशल क्या क्या है। आप पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, अर्थमेटिक यानी बेसिक सा जोड़ जोड़ घटा जमा ये सब। ओके, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन यूजिंग अ लैंग्वेज इन राइटिंग एंड स्पीच। लैंग्वेज स्किल में भाषा की कौशल में क्या क्या आएगा कि आप एक भाषा में लिख सकते हो और बोल सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप एक बैंक का फॉर्म भर पाते हो अगर अपना पैसा निकलवाने के लिए, देन योर लैंग्वेज स्किल्स आर फिट। फंक्शनल स्किल, फंक्शनल स्किल क्या होते हैं, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद करती हैं। ओके, हमें दूसरों से थोड़ा सा अलग बनाती है, हमारा काम आसान करती हैं। एबल टू रीड अ मैप, जो हमें अभी सिखाया जाता है एनसीसी में। बुकिंग रेलवे टिकट्स, फिक्स अब्यूज्ड अफ्यूज्ड बल्ब, कि रेलवे टिकट अगर आप बुक कर सकते हो, एक फ्यूज बल्ब को आप दोबारा से चेंज कर सकते हो, देन योर फंक्शनल स्किल्स आर गुड। वोकेशनल स्किल्स क्या करती हैं, एनहांसिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, यानी हमें पैसा कमाने में मदद करती है। कारपेंट्री, टेलरिंग, मेकिंग हैंडीक्राफ्ट, हाथ से कई चीज़ें बनाते हैं, फिशरीज, मछली पकड़ने की कला। ओके, तो ये सब क्या है, वोकेशनल स्किल्स। उसके बाद स्पोर्ट्स स्किल्स, नाम से ही पता लगता है कि हम टीम में या एज ए सिंगल प्लेयर खेलने के काबिल हों। कल्चरल स्किल्स क्या होती है, कैपेबिलिटी टू लाइटन द स्पिरिट ऑफ अ ग्रुप, कि अगर आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो तो वहाँ की मोनोटमी तोड़ने के लिए, यानी एक चुप्पी जो रहती है उसको तोड़ने के लिए आप एक जोक क्रैक कर सकते हो, आप कोई स्टोरी सुना सकते हो, आप सबको मोटिवेट कर सकते हो, दैट इज़ योर कल्चरल स्किल्स। ओके, आगे देखते हैं लाइफ स्किल्स। हमारे एनसीसी में मोस्टली क्वेश्चंस इसी से आते हैं, उसमें से एक आधा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन, वो भी 5 से 10 नंबर ईच आपके पेपर में पक्का देखने को मिलेंगे। ओके, तो लाइफ स्किल्स क्या क्या होती हैं, ये होती है, सॉरी फॉर दैट, लाइफ स्किल्स अमूमन ये होती हैं सेल्फ अवेयरनेस, एम्पथी, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशंस। ठीक है, ऑल दिस, इनको एक एक करके भी हम समझेंगे, डोंट वरी। स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड पेशेंस, कि स्किल्स को हम प्रैक्टिस से और पेशेंस से
धैर्य धैर्य से और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से एक्वायर कर सकते हैं। स्किल्ड पर्सन यूज लेस टाइम एनर्जी एंड रिसोर्स टू डू ए जॉब। जो एक स्किल्ड पर्सन होता है वो किसी भी काम को करने के लिए कम एनर्जी यूज करेगा, जल्दी कर देगा, ओके, और अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये स्किल्स के फायदे हैं, ओके। ये नोट्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में नहीं लिखने हैं, आपको चीज़ों को समझना है, फिर आप ए टू जेड क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ओके। जैसे अब स्किल के बारे में पूछ लिया तो आप उसके पहले स्किल की डेफिनेशन लिख सकते हो, उसको टैलेंट से कैसे अलग है वो लिख सकते हो, उसके बाद ये वाली लाइन लिख सकते हो कि जो बंदा स्किल्ड है वो कैसे दूसरों से अलग है, ओके। उसके बाद आता है अनेबल अस टू अडेप्ट टू सिचुएशन एंड पीपल एंड हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ। हमें दूसरों सिचुएशंस और लोगों के तरीके से ढलना सिखाता है स्किल्स, ओके, जिससे हम एक हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। WHO क्या कहती है लाइफ स्किल्स के बारे में, देखो, लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर अडोप्टिंग पॉजिटिव बिहेवियर। कि लाइफ स्किल ऐसी एबिलिटी है, ऐसी काबिलियत है जो हमें एक सकारात्मक बिहेवियर को अडॉप्ट करने में मदद करती है। दैट अनेबल्स इंडिविजुअल, जो एक किसी व्यक्ति को अनेबल करती है यानी काबिल करती है टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जितनी भी डिमांड्स हैं, जितने भी चैलेंजेस आप फेस करते हो, उनके साथ आसानी से कोप कर सको, उनको आसानी से हल कर सको, ओके। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। अगर आप चाहो तो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे कि लाइफ स्किल्स वो काबिलियत है जो हमें एक सकारात्मक बिहेवियर को अडॉप्ट करने में मदद करती है, ओके। जिनसे क्या होता है, एक इंडिविजुअल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले चैलेंजेस और डिमांड से आसानी से कोप अप कर पाता है, आसानी से उनसे डील कर पाता है। आई होप मैं हर एक वर्ड का हिंदी नहीं बता पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, देन प्लीज़ सेंड मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस, ओके। अभी तक किसी ने नहीं भेजे हैं लाइफ स्किल। अब एक एक करके बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। रिकॉग्नाइजिंग ऑफ सेल्फ, खुद को जानना, हमारे खुद के चरित्र को जानना, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना, हमारे डिजायर्स को जानना, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को जानना, और हमारी स्किल्स को जानना कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल है। स्ट्रेंथ क्या होती है, ए सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ। जिस भी बंदे को अपना स्ट्रेंथ पता होती है कि मेरी काबिलियत ये हैं, मेरी अच्छी बातें ये हैं, मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, वो क्या होता है, सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, एक खुद के अंदर ही एक इज्जत का वो होता है कि खुद पे विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, खुद के मन में खुद के लिए एक इज्जत होती है, कॉन्फिडेंस होता है। वीकनेसेस जिसको पता है अपनी, वो क्या करते हैं, वो विलिंग टू, मतलब उनके अंदर इच्छा होती है अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए, ओके। उसके बाद एम्पथी, इट इज़ द एबिलिटी टू सेंसिटिव टू अनदर पर्सन सिचुएशन। कि दूसरे के दर्द को अपने जैसा समझना, इसको क्या कहेंगे हम, सहानुभूति, ओके। अगर आप सहानुभूति है, अगर आप दूसरे के दर्द के लिए आपके अंदर, देन यू आर एम्पैथेटिक, ओके। टू अंडरस्टैंड हिज और हर कंसर्न्स, उसकी मजबूरियों को, उसकी कंसर्न्स को समझना, उसकी चिंताओं को समझना, उसके डर को समझना और उसकी ज़रूरतों को समझना, और क्या समझना कि वो कैसा फील करते हैं। एम्पथी बड़ा ही अच्छा काम करती है, सहानुभूति या हमें संवेदना होती जब दूसरों के लिए, जब हम सेम एम्पथी किस पे अप्लाई करते हैं, अपने क्लासमेट्स पे, अपने परिवार के लोगों पे, ओके, हमारे जो भी कजन्स हैं, कलीग्स हैं, ओके, जैसे कोई भी तकलीफ में आप उससे जाते हो, आप बात करते हो, उसको अच्छा लगता है और उसके बदले में वो भी आपको ऐसी रिस्पेक्ट देता है। इट हेल्प अस टू मूव क्लोजर टू द सॉल्यूशन टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहांस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमें क्या सॉल्यूशन, जब भी प्रॉब्लम होती है तो हम सब बैठ के बात करते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, दूसरे के कंसर्न सुनते हैं, तो हम सॉल्यूशन के ज़्यादा नज़दीक पहुँचते हैं। रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, मन मोटाव है, वो कम हो जाते हैं, एंड एनहांस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहन सोच, किसी भी इंफॉर्मेशन को
बड़े ही गहन तरीके से उसके अच्छा पहलू उसका बुरा पहलू सोचना ही क्रिटिकल थिंकिंग है। ऑल्दो इनके हर एक के बारे में एक नया चैप्टर बनेगा, ओके, क्योंकि ये बड़े ही डिटेल्ड फॉर्म में आते हैं हमारे एनसीसी के पेपर में, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी प्लान्ड है, इसके बाद की वीडियोज़ में वो होगा। ये हमें क्या करता है कि हमें आजकल दिस करंटली वर्ल्ड कैसा है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो क्रिटिकल थिंकिंग से ही हम बाइफर्गेट कर पाते हैं, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है, ओके। सॉरी फॉर दैट, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। आगे देखते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? नए आइडियाज को जनरेट करने की काबिलियत बाय कंबाइनिंग चेंजिंग और रीअप्लाइंग एग्जिस्टिंग आइडियाज। जो पुराने आइडियाज हैं उन्हीं में फेरबदल करने की जोड़ के या रीअप्लाई करके नए आइडियाज बनाने को क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अनेबल अस टू डील विद द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। ओके, नाम से ही पता लगता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्किल को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम। ये सब हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको अभी अभी आप बस एक ओवरव्यू ले लीजिए चैप्टर का कि आगे वाले आने वाली 8-10 वीडियोस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज टू चूज फ्रॉम ए वेरिड ऑप्शन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन, कीपिंग इन माइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शन। देखो, डिसीजन मेकिंग क्या है? अलग अलग डिसीजंस के बीच में चूज करना। फॉर एग्जांपल, आपका मन है आइसक्रीम भी खाना है, समोसा भी खाना है, मेरा मन है पिज्ज़ा भी खाना है, ठीक है? तो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी। एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या होगी कि यार जो मेरे घर के पास में आइसक्रीम वाला है वो आइसक्रीम अच्छी नहीं देता है, लेकिन आप पिज्ज़ा में ऑर्डर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अच्छा वाला, डोमिनोज वाला, ओके। समोसा खाने भी मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और ऊपर से मेरा टेस्ट भी आ रहा है तो मेरे पास टाइम भी कम है, तो चलो बेटर ये होगा कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, ओके। सो दिस इज़ योर डिसीजन मेकिंग। जो आपके पास्ट में नॉलेज है आप उसको यूज़ करके कैसे अपना डिसीजन लेते हो, ओके। जबकि आप दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस माइंड में रखते हो कि अगर मैं आइसक्रीम खाने जाऊँगी तो मैं इतना अपना टाइम भी जाने में आने में वेस्ट होगा, उसके बाद वो फिर से अच्छी नहीं देगा तो मेरा मूड भी ऑफ हो जाएगा और ऊपर से मेरा एग्ज़ाम है तो आई डोंट वांट टू मेक माय मूड ऑफ और बैड, ओके। तो ये सब आप कंसीडर करते हो। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है? इंटरपर्सनल यानी आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ रखते हो वो वाली स्किल्स। एबिलिटी टू एस्टेब्लिश ए पॉजिटिव रिलेशन विद हेल्प अस विच हेल्प अस टू टॉलरेट इन पॉजिटिव वेज विद द पीपल वी इंटरेक्ट। हमारा एक रिलेशन बनाने का एक एबिलिटी, काबिलियत। कई सारे लोग होंगे आपने देखे होंगे बड़े अच्छे, बड़े कम टाइम में दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक भी नहीं घुल पाते हैं। दिस इज ऑल देयर इंटरपर्सनल स्किल्स। आगे देखते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वर्बली थ्रू स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। अपने आप को वर्बली, वर्ड्स में या बोल के या लिख के एक्सप्रेस करना, और नॉन वर्बली कैसे, जेस्चर से, इशारों से, बॉडी के मूवमेंट से, बॉडी लैंग्वेज से कितने इफेक्टिवली आप अपनी बातों को रख पाते हो, ओके। उसके बाद आता है कोपिंग विद इमोशंस। हम सब में इमोशंस होते हैं। बी अवेयर विद द ऑफ द प्रो प्रीडोमिनेंट इमोशंस दैट प्री ऑक्यूपाइज द माइंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नोइंग हाउ इमोशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड बीइंग एबल टू रिस्पोंड टू इमोशन एप्रोप्रिएटली। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर एक इच्छा है, एक इमोशन है कि आई वॉन्ट टू बाय एक्स वाई जेड बाइक, ओके। ये एक इमोशन आपके अंदर आ गया कि मेरे को ये बाइक खरीदनी है, और वो आपके माइंड में बस भर गया है कि यू आर रिक्वेस्टिंग योर पेरेंट्स, आप बोल रहे हो मेरे को प्लीज़ दिला दो, आई नो दिस दैट एक्स वाई जेड, ओके। अब वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पेरेंट्स की कुछ मजबूरियां हैं वो नहीं दिला पा रहे हैं, ओके। तो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपकी मम्मी आपको काम को बोलती है, आपको चिड़चिड़ाहट होती है, आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे। तो इस इमोशन के साथ कोप अप करना, सिचुएशन को समझना कि हाँ मेरे पेरेंट्स के पास अभी पैसा नहीं है, दे आर नॉट इन द कंडीशन, तो उस इमोशन को दबा के रखना, टू किल दैट विचार, टू किल दैट थॉट कि नहीं अभी मेरे को बाइक नहीं लेनी है, लेट्स फोकस ऑन द स्टडीज, नेक्स्ट ईयर जब घर वाले को पास, घर वालों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, देयर आफ्टर दे विल बाय फॉर मी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कोपिंग विद इमोशंस।
कोपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस बड़ी ही एक तगड़ी बीमारी हो गई है आजकल। हर हर एक एज ग्रुप में स्ट्रेस होता है आजकल, तो बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है एग्जाम्स का, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल से समझा वो मोटरसाइकिल वाला। ओके, सो दिस इज ऑल्सो, दीज आर प्रीटी मच सिमिलर। ओके, उसके बाद है स्टोरी ऑफ पिजन एंड हंटर, ये चलो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। लाइफ स्किल्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम एंड अनेबल अस टू अडेप्ट टू सिचुएशन एंड पीपल। लाइफ स्किल क्या करती है, हमें हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करती है, जो हमें क्या करता है, अनेबल अस टू कोप विद द सिचुएशन, जो हमें सिचुएशन से कोप अप करने में मदद करता है, हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। लाइफ स्किल अर्नड फ्रॉम आवर और आर लर्नड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। हम लाइफ स्किल्स को अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, परसेप्शन से सीख सकते हैं, इनसाइट से सीख सकते हैं, स्टोरीज से सीख सकते हैं, बुक्स पढ़ के सीख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं, अपने टीचर से सीख सकते हैं, अपने धर्म के जो ग्रंथ है हमारे उनसे सीख सकते हैं, मीडिया से, मूवीज से, वीडियो से सीख सकते हैं, हमारा जो कल्चर है उससे सीख सकते हैं। ओके, तो लाइफ स्किल्स आर ट्रेनेबल क्वालिटीज, कि लाइफ स्किल्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, हम इनकलकेट कर सकते हैं, लेकिन टैलेंट को हम ट्रेन या इनकलकेट नहीं कर सकते, वो बाय बर्थ होते हैं। लाइफ स्किल्स आर प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम वी नीड टू शार्पन देम रेगुलरली। लाइफ स्किल हर एक बंदे के अंदर होती है, लेकिन उनका रिजल्ट देखने के लिए हमें उनको डेली बेसिस पे उनके ऊपर काम करना पड़ता है। ओके, तो चलो मैं आपको ये स्टोरी भी बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, देर वॉज ए हंटर और उसने एक नेट बिछाया और नेट के ऊपर कुछ दाने किसके, गेहूं के, अनाज के डाल दिए। उसको पता था डेली पिजन्स आते हैं इधर, डेली की तरह पिजन्स आए, पिजन्स बैठे और उन्होंने दाना खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं, दे आर ट्रैप्ड, कि वो फंस गए हैं। अब जो पिजन्स का लीडर था वो बड़ा हड़बड़ा गया, घबरा गया कि यार अब क्या होगा, अब तो ये हमें मार देगा, ठीक है, अब हाउ विल वी सर्वाइव, और अब तो बड़ी मुसीबत होगी, हम क्या करें। एंड वो घबरा गया और कुछ सोच नहीं रहा है। बट देयर वॉज ए यंग पिजन, वहाँ पे एक यंग पिजन था, वो यही सोच रहा था कि क्या करें। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया, बोला चलो सारे एक साथ उड़ते हैं। तो बड़ी आपत्ति हुई कई सारे पिजन्स को, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम नहीं उड़ पाएंगे, क्या पता हम उड़ पाएंगे या नहीं, अब तो बस हम मर ही गए हैं, अब तो ये हमें ट्रैप कर लेगा, हमें बेच देगा ये वो। तो यंग पिजन सबको इम्प्लोर करता है, सबको एनर्जाइज करता है कि नहीं एक बार ट्राई तो करते हैं, ठीक है अगर मरना तो है ही, हम सब ने अगर ये ठान ही लिया है तो क्यों ना आखिरी बार एक बार ट्राई किया जाए, क्या पता हम बच ही जाए, क्या पता हम इस नेट को लेके उड़ ही जाए। और जब पूरे के पूरों को उसने मोटिवेट किया और जब एक साथ उड़े, देन दे टुक नेट अलोंग विद देम, वो उस जाल के साथ ही उड़ गए। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी। तो यहाँ से आपको क्वालिटीज़ बतानी है मेरे को कि आपको क्या क्या क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। ओके, क्वालिटीज़ ऑफ पिजन एज वेल एज क्वालिटीज़ ऑफ हंटर। हंटर की जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कैसे क्या क्वालिटी, हंटर की क्वालिटी क्या थी, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग, कि नेट बिछाया, नेट के ऊपर यानी नेट के नीचे या ऊपर उसने दाना डाला टू अट्रैक्ट द पिजन, ताकि पिजन वहाँ पे आए, अगर दाना ही नहीं होगा तो पिजन आएंगे नहीं। दूसरी क्वालिटी मैं क्या बताता हूँ, एक नेगेटिव क्वालिटी बताता हूँ ऑफ दैट लीडर, जिसने पहले ये सोच लिया कि नहीं अब तो हम मरेंगे ही, अब हमें नहीं बच, हम नहीं बच सकते। सो दिस इज नॉट क्वालिटी ऑफ ए लीडर, एक लीडर ऐसा नहीं सोच सकता। तो टेल मी एनी क्वालिटी जो भी आपको हंटर करके, कि आपको हंटर की याद पता लग रहा कोई क्वालिटी जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस की है, तो एच करके ऐसे कमेंट कर सकते हो, और पिजन की कर रहा है तो ऐसे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ सेंड मी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। जय हिंद।